इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से यहां शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता का पिछला मैच रोमांचक रहा था, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में उसने सुपर ओवर में जीत हासिल की थी। टीम आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नए कप्तान इयान मॉर्गन ने आखिरी ओवर अनफिट आंद्रे रसेल को दे दिया था और हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने मैच रख दिया था। आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और रसेल ने सिर्फ 1 रन देकर मैच सुपर ओवर में पहुंचाया, जहां कोलकाता को जीत हासिल हुई थी। रसेल की चोट कोलकाता के लिए एक चिंता का सबब बनी हुई है। उनकी क्या स्थिति है इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। रसेल वैसे तो इस सीजन में फॉर्म में नहीं दिखे हैं, वो ना बल्ले से कुछ कमाल दिखा पाए हैं और ना ही गेंद से, लेकिन उन जैसा खिलाड़ी किसी भी समय में अपने रौद्र रूप में आकर सामने वाली टीम को नतमस्तक करने का दम रखता है। यही कारण है कि टीम अभी तक उन्हें लगातार मौके दे रही है। पिछले मैच में कोलकाता के लिए एक अच्छी बात यह रही कि लॉक रिवनसन टीम में बने रहे। अच्छी शुरुआत करने वाली हैदराबाद को रियोजन ने ही बैकफुट पर ढकेला था, उन्होंने 3 अहम विकेट भी लिए थे। इसके अलावा सुपर ओवर में हैदराबाद को सिर्फ 2 रन बनाने दिए थे और 2 विकेट ले गए थे। तो वहीं कुलदीप यादव भी पिछले मैच में मौका मिला था। क्या मॉर्गन इस बार भी बैंगलोर के खिलाफ कुलदीप के साथ ही जाएंगे, ये देखने लायक बात होगी। वहीं अगर बात बैंगलोर की जाए तो बैंगलोर में कोहली की टीम लाजवाब फॉर्म में है। पिछले मैच में उसने राजस्थान के मुंह से जीत छीन ली थी, जिसमें अब्राहम डिविलियर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा था। डिविलियर्स ने 19वें ओवर में तूफानी अंदाज में रन बटोरे और मैच को बैंगलोर के पक्ष में कर दिया था। तो वहीं देवदत्त पडिक्कल एरॉन फिंच की सलामी जोड़ी अच्छी लय में है, कोहली भी फॉर्म में है और डिविलियर्स भी, और नीचे क्रम में क्रिस मॉरिस भी तेजी से रन बना रहे हैं। मॉरिस के आने से बैंगलोर की गेंदबाजी भी मजबूत हुई है। यहाँ नवदीप सैनी, इसुरु उदाना भी उनके साथ हैं। स्पिन में वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल भी टीम के लिए उपयुक्त रहे हैं। स्पोर्ट डेस्क, न्यूज क्लास। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।